70 पैसा में दे रहे हैं। अरे जान के ना दे रहे हैं भाई, बहुत कम पैसा है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे ही दे दीजिए, ऐसे ही नहीं देना चाहिए। तो इसलिए जब प्रीपेड मीटर रहेगा तो आपको जितना बिजली मिला है और वो खत्म हो रहा है उसके पहले वो बता देगा कि अब खत्म होने वाला है। तो गांव ताव में आप बताइए ना भाई, कितना कम हम लोग पैसा लोगों से ले रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि भाई आप जान रहे हैं तो कृषि के लिए जो बिजली का दर है कितना कम रखे हुए हैं, 70 पैसा प्रति यूनिट। और उसी तरह से हम आपको कह रहे हैं कि कोई बिजली का खपत करता है तो कम से कम पैसा दे रहे हैं। लेकिन भाई खपत करिएगा तभी ना पता चलेगा कि आप कितना का खपत कर रहे हैं। तो कि भाई बिजली का बिल गड़बड़ कर रहा तो उसके बारे में जांच की जा रही है जगह जगह के बारे में। अब उसके बाद तो आप जानते हैं कि हम लोग प्रीपेड मीटर करवाना चाह रहे हैं। आप प्रीपेड मीटर के बारे में, स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 12,50,000 लगाए गए और काम तेजी से जारी, तो 2025 तक ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब प्रीपेड मीटर है कि जो कोई भी करता है, अभी तो मान लीजिए कि कोई दे दिया, गलत रिपोर्ट दे दिया कि भाई आपका इतना ज्यादा हो गया है, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई प्रीपेड मीटर रहेगा तो जितना बिजली आप लेख कर रहे हैं इंतजाम उतना ही उसमें आएगा। तो इसलिए जब प्रीपेड मीटर रहेगा तो आपको जितना बिजली मिला है और वो खत्म हो रहा है उसके पहले वो बता देगा कि अब खत्म होने वाला है, तो आप इसके आगे और लीजिए। अब प्रीपेड मीटर का पैसा उनको देना पड़ता है। तब प्रीपेड मीटर हम लोग करवा रहे हैं तो गांव ताव में आप बताइए ना भाई, कितना कम हम लोग पैसा लोगों से ले रहे हैं, कितना कम हम लोग करवा रहे हैं, सबसे बहुत कम पैसा ले रहे हैं। तो इसीलिए तो जो कुछ भी है, अब कृषि फीडर भी लगवा रहे हैं हम लोग। तो कृषि फीडर का भी आपको बता दें कि 3,54,000 किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है और 1,555 नए कृषि फीडर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 2,75,000 किसानों को नए विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, तो सबको अगर मिल जाएगा तो बिजली की सुविधा उनको मिल जाएगी। तो ये सब काम जो कह रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि भाई आप जान रहे हैं तो कृषि के लिए जो बिजली का दर है कितना कम रखे हुए हैं, 70 पैसा प्रति यूनिट। अब बोलिए आप बिजली की जो खरीद कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को जो खरीदने में पैसा लगता है राज्य सरकार को 5 पैसा इतना हमने बता दिया, 5.55 रुपया। अब आप समझ लीजिए प्रति यूनिट का जो हम लोग खरीद करते हैं उसमें लगता है 5.55 रुपया। और हम अब तो और बढ़ रहा है, बता रहे मंत्री जी और बढ़ रहा है। तो जो मेरे पास पहले का रिपोर्ट था, और जान लीजिए कि हम लोग दे रहे हैं मात्र 70 पैसा में दे रहे हैं। अरे जान के ना दे रहे हैं भाई, बहुत कम पैसा है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे ही दे दीजिए, ऐसे ही नहीं देना चाहिए। आप नहीं जानते, एक बार तो हम लोग ऐसे ही मांग किए, हम असेंबली में थे सबसे पहले, तो हम कह दिए थे कि कोई जो किसान को लगता है टैक्स तो नहीं लगना चाहिए। बात गुजारी तो सब यहीं से खड़ा होके बोले कि आपको आइडिया नहीं है। अगर मान लीजिए कि लोगों को बाल गुजारी नहीं हो तो उसका खेतवे खत्म हो जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा, तब हम शांत हो गए। ये बात कह रहे हैं आपको 86 की बात, तब हम समझ गए कि भाई ये ठीक कह रहे हैं। और उसी तरह से हम आपको कह रहे हैं कि कोई बिजली का खपत करता है तो कम से कम पैसा दे रहे हैं। लेकिन भाई खपत करिएगा तभी ना पता चलेगा कि आप कितना का खपत कर रहे हैं। अगर बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा तो ठीक नहीं है, कभी नहीं सोचना चाहिए। और जब उनके आमदनी के लिए भी सब तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, तो भाई बिजली का यूज करेगा तो काहे नहीं करेगा। और बिजली के लिए तो हम लोग बहुत तरह की चीज कर रहे हैं, हर तरह से काम कर रहे हैं। तो चारों तरफ से कह रहे हैं, सौर ऊर्जा वगैरह के बारे में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं हम लोग।